डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं दिनेश वर्मा और एग्ज़ाम शुरू होने के ठीक पहले मैंने आपसे बातें की थी कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम्स को हैंडल कर सकते हैं, उसके डर को हैंडल कर सकते हैं। आज पुनः मैं आपके साथ तब हूँ जबकि आपके एग्ज़ाम्स समाप्त हो चुके हैं। एग्ज़ाम के दौरान हमेशा ये लगता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होते हैं कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि खुश इतने रहते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। परीक्षा का सवाल है तो उसमें तो आपने पूरा मन लगा करके अपना बेहतर दिया है, और जब बेहतर दिया है तो रिज़ल्ट भी बेहतर ही आता है। ये आप भली भांति जानते हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, उस हिसाब से आप अपना आने वाला सेशन, आने वाला साल तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान कुछ बच्चों के स्कूल तो अप्रैल में खुल जाएंगे, जिससे प्राइवेट स्कूल होते हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका सेशन जुलाई में शुरू होगा। तो अभी से लेकर के जुलाई तक का जो पीरियड है तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा होता है, 2-3 महीने। ये जो 2-3 महीने का जो समय है इसको कैसे हम फ्रूटफुली इस्तेमाल करें। और आप कहेंगे कि सर अभी तो हम लोग खूब पढ़ करके फ्री हुए हैं, थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। एंजॉय कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एंजॉय करते हुए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो किताबें पढ़िए जिसमें आपको आनंद आता हो, उन जगह को विज़िट कीजिए जिस जगह को आप कभी विज़िट नहीं कर पाए हैं, जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की है, ऐतिहासिक महत्व की है, वहाँ पर जाइए, उसके बारे में जानकारी मालूम कीजिए। और एक और चीज़ है, आप प्रकृति को ऑब्ज़र्व कीजिए माइन्यूटली। प्रकृति एक ऐसी टीचर है जो हमें सख्त होकर के सिखाती है, बस उसके लिए एक ही कंडीशन होती है कि आप ईमानदारी से उसको ऑब्ज़र्व करें, कदम कदम पर आपको लेसन मिलेंगे।